सत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से तीन ऑप्शन हमने चुनाव आयोग के दिए हैं, उसमें से जो भी मिल जाएगा वो हम लोग को मान्य होगा। और उसमें क्या आपकी नीतियां होंगी, क्या जैसे किन मुद्दों को लेकर चलेंगे पार्टी की बस बनती है उसके? देखिये, लगभग मेरे ख्याल से इस प्रेस नोट में सभी बातें आ गई हैं। शेष जब अभी दल के लिए आवेदन हुआ, दल बन जाएगा तो हमारी जो कार्य समिति बनेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगी, वो मिलकर हम लोग तय करेंगे। अपने घोषणा पत्र भी होंगे, अपने तमाम मुद्दे होंगे, ज्वलंत मुद्दे जो जनमानस और सब समाज के लिए होगा, इसके लिए लड़ाई जाएगी। सर, आज आजमगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है? आज जो आजमगढ़ में कर रहे हैं, इसका औचित्य यह है कि आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी का 30 नवंबर को जो राजनीतिक उनके सफर का 30 नवंबर को पूरा हो रहा है, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और इससे पहले राजनीतिक जो दल बनाने की बात है, हम लोगों ने आवेदन किया है, वो प्रक्रिया के रूप में है। मेरे ख्याल से उसमें 2-2.5 महीने लगेंगे और बन जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है तो जनपदवार बैठक वगैरह कर रहे हैं क्या सर? जनपदवार हम लोग हर जिले जा रहे हैं। अभी तक कितने जनपदों का दौरा कर चुके हैं सर? अभी तक मैं स्वयं करीब 15 जिलों का दौरा कर रहे हैं। हमारे अक्षय प्रताप जी जो MLC हैं, गोपाल जी, वो पश्चिम जिले में लगे हुए हैं। और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से हम लोग का पहला फोकस है कि सर समाज में, जनता के बीच में जाके उनके राजनीतिक जो सफर का 25 वर्ष पूरा हो रहा है 30 नवंबर को, उसमें भारी तादाद में लोग आए।